चलो जानते हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में। अमरनाथ यात्रा पहलगाम से लगभग 29 किलोमीटर दूर लगभग 3,888 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। गुफा के अंदर एक शिवलिंग है जिसे दुनिया भर के हिंदू द्वारा सबसे पवित्र प्रतिम माना जाता है। जून से अगस्त तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के नाम में मशहूर यह यात्रा चंदनवारी से शुरू होती है। इसे 18 महाशक्तिपीठों या हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अमरनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने के अलावा इसके आसपास के दृश्य असाधारण है। जिस स्थान पर आज अमरनाथ गुफा है, माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को जीवन और अनंत काल का अर्थ समझाया था। जीवन द्वित के अनुसार हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ऋषि मुनि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पवित्र स्थल को खोज किया था। उस समय पूरी कश्मीर घाटी पानी में डूबी हुई थी और एक अन्य शक्तिशाली ऋषि कश्यप मुनि ने अपनी दिव्य शक्तियों से पानी को सूखा दिया। जैसे ही पानी साफ हुआ, ऋषि मुनि पहले अपने व्यक्ति थे जिसके पास शिवलिंग का स्थान था। जम्मू से पहलगाम और बालटाल के लिए निजी वाहन किराए पर ले सकते हैं। राज्य परिवहन की बसें भी उपलब्ध है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए दो ट्रैकिंग मार्ग है। छोटा मार्ग बालटाल से होकर गुजरता है और पारंपरिक मार्ग श्रीनगर से होकर गुजरता है। आप लंबी कठिन यात्रा से भी बच सकते हैं और हेलीकॉप्टर से अमरनाथ यात्रा करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। छोटा मार्ग पहलगाम में चंदनवाड़ी बेस से शुरू होते है और बालटाल, डोमिया, बरारी और संगम से होकर जाती है। यह 14 किलोमीटर लंबे और आपको एक दो दिनों में यात्रा पूरी करने की अनुमति देती है। आप या तो पैदल चल सकते हैं और लोगों कंधों पर रखी जाने वाली सीट किराए बुक कर सकते हो। आप हेलीकॉप्टर की सवारी के जरिए अमरनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। श्रीनगर तक पहुंचने के बाद बालटाल तक ड्राइवर करके और हेलीकॉप्टर में सवार हो जाने के बाद आपको पंचतरणी तक ले जाएगा। पंचतरणी से आपको केवल लगभग 7 किलोमीटर तक ट्रैक करना होगा। यह आपकी पालकी घोड़ी की सवारी किराए पर ले सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर की सवारी के जरिए अमरनाथ मंदिर तक पहुँच सकते हैं। श्रीनगर तक पहुँचने के बाद बालटाल तक ड्राइवर करके और हेलीकॉप्टर के सवार हो जाके आपको पंचतरणी तक ले जाएगा। पंचतरणी से आपको केवल लगभग 6 किलोमीटर तक ट्रैक करना होगा। यह आपकी पालकी घोड़ा की सवारी करिए पर ले सकते किराए पर ले सकते। अमरनाथ यात्रा के पहले जाने से पहले इन बातों पर ध्यान रखिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्री पूर्ण करनी होगी। आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसे ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। यह आपको अपना वितरण जैसे पूरा नाम, लिंग, पता, राज्य और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और पंजीकरण सभी बैंक शाखाओं से शुरू होगा।